बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए हर्बल क्रीम लेके आई हूँ। ये पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। अगर आपको डार्क सर्कल्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेस्ट क्रीम है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स वगैरह जितने भी हैं उनको ये रिमूव करने वाली क्रीम है। हर्बल है, हर्बल होने की वजह से ये किसी किस्म का स्किन के ऊपर नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, ये कोई भी स्किन टाइप बंदा लगा सकता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को प्रॉब्लम होती है, वो बहुत सारी केमिकल्स वाली क्रीम यूज़ नहीं कर सकता। जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो तो वो क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन ये सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर्बल का यही फ़ायदा होता है कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे लोगों की कि आप हमें कोई हर्बल क्रीम बताएं, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप इन्हें इस क्रीम को ना एक्ने के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो आपने इस क्रीम को वहीं सिर्फ यूज़ करना है, और दूसरी किसी क्रीम के साथ आपने इस क्रीम को मिक्स करके कभी नहीं लगाना, और इस क्रीम को सिर्फ रात में लगाएं। दिन में अगर लगाना है तो आपने किचन में काम नहीं करना, धूप में नहीं जाना। ठीक है, इन थोड़ी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने काम करना है घर में तो फिर आप सिर्फ रात में इस क्रीम को लगाएं। तो ये देखिए, इस तरह की अंदर से ट्यूब होती है और 100 इसकी प्राइस है। ये आपको मेडिकल स्टोर या कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैं अब आपको लगा के भी दिखा दूँ। नहीं जी, अभी ये बंद है, मैं आपको क्रीम खोल के दिखाती हूँ। इस तरह कैप के साथ भी आप इसे खोल सकते हैं क्रीम को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी स्किन को बिल्कुल साफ़ करके ना, चेहरे को धो के स्किन को बिल्कुल साफ़ करके, तो आपने इस क्रीम की मिकदार बस थोड़ी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा क्रीम ही लगानी, और स्किन के सिर्फ उस हिस्से पे लगानी जहां आपको प्रॉब्लम है, और लगा के आपने सिर्फ हल्का सा मसाज करना है। ज़ोर ज़ोर से मलना नहीं है कि स्किन डैमेज और डैमेज हो जाए। हल्का सा मसाज करके बस इस क्रीम को छोड़ दें, बाद में स्किन के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी। तो लगा के तो आप छोड़ दें, सुबह उठ के अच्छे से फेस वॉश के साथ चेहरे को वॉश कर लें, या फिर खुद कोशिश किया करें कि जब पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो तो सिर्फ बेसन के साथ चेहरे को वॉश किया करें, और वीक में 2 से 3 बार मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क लगा लिया करें। 1 महीना ये लगाएं, साथ फेस मास्क लगाएं मुल्तानी मिट्टी का, ठीक है, और बेसन से चेहरे को वॉश करें। 1 महीने के अंदर अंदर आपके पिंपल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। और दिन के टाइम आप कोशिश किया करें कोई ना कोई अच्छा सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई किया करें। ठीक है, वो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उन तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सनब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी स्किन ख़राब है नहीं ख़राब, दिन में सनब्लॉक लाजमी यूज़ किया करें। अपनी स्किन की केयर डेली किया करें। कभी कभार आप कुछ भी करते हैं ना अपने लिए या अपनी स्किन के लिए, तो फ़ायदा कोई नहीं होता। ठीक है, तो बेहतरीन ये क्रीम है आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। तो आज ही आप इसे लाएं, इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो चलें, आप मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।